नमस्कार, मैं पूजा ऑल्ट न्यूज से। हाल ही में कांग्रेस ने अपने न्यूनतम आय योजना न्याय यानी कि मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम का एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया। एड में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी एक बूढ़ी महिला को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एड के पब्लिश होने के कुछ ही देर बाद काफ़ी सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने एड पे शंका जताई, जैसे कि बीजेपी के दिल्ली स्पोक्सपर्सन तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इसी एडवर्टाइजमेंट को ट्वीट करते हुए कहा कि ये तीसरा हाथ किसका है। अगर आप ऐड को गौर से देखें तो राहुल गांधी के दो हाथ, बूढ़ी महिला के दो हाथ और एक अनजान हाथ इस फोटोग्राफ में नजर आ रहा है। इसी ऐड को एबीपी न्यूज़ के विकास भादौरिया ने ट्वीट करते हुए भी यही कहा कि ये तीसरा हाथ किसका है। भादौरिया के इस ट्वीट पे यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने रिप्लाई करते हुए कहा कि जब इश्तहार में ही स्लाइट ऑफ हैंड यानी कि जब इश्तहार ही गुमराह कर रहा हो तो विचार करें कि कांग्रेस की भ्रष्ट मानसिकता की जड़ें कितनी गहरी हैं। अगर आप इस ऐड को गौर से देखें तो पता चलता है कि बैकग्राउंड में और भी काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं, पर सच्चाई क्या है इसे हम एक गूगल रिवर्स इमेज सर्च से पता लगा सकते हैं। एड में जितना भी टेक्स्ट है उसे आप क्रॉप करके सिर्फ राहुल गांधी और उस बूढ़ी महिला की फ़ोटोग्राफ को गूगल पे अगर रिवर्स सर्च करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि गूगल में काफ़ी सारे ऐसे लिंक्स हैं जहाँ पे सेम फोटोग्राफ यूज़ की गई है। ऐसी कोई भी एक लिंक को अगर आप खोलें तो आपको असली फ़ोटो नज़र आएगी। ओरिजिनल फ़ोटो में राहुल गांधी और उस महिला के पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। बूढ़ी महिला के पीछे जो व्यक्ति खड़े हैं वो तीसरा हाथ उन्हीं का है। ये तस्वीर कांग्रेस ने 2015 में एक ट्वीट में शेयर की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति इस फोटोग्राफ में नज़र आ रहे हैं, पर कांग्रेस ने अपने ऐड में इन सारे व्यक्तियों को धुंधला कर दिया था। कांग्रेस के इस 2015 के ट्वीट के मुताबिक जहाँ पे कांग्रेस ने यही फोटोग्राफ शेयर की थी, राहुल गांधी तमिलनाडु और पौंडीचेरी में बाढ़ पीड़ित लोगों को मिलने गए थे। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस ने एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा लेके उसे अपने ऐड में यूज़ किया, लेकिन कांग्रेस ने वो तीसरा हाथ फोटोग्राफ से धुंधला नहीं किया और इस वजह से काफ़ी लोगों के मन में शक पैदा हुआ।